हाँ जी, तो अपना मसाला वाला पाव खाते खाते अभी हम लोग चलते चलते आ गए अपना इधर मुलुंड के जैन टेम्पल के पास, और आए यहाँ पे अपना चाय सुट्टा बार में कॉफ़ी पीने। मन था कॉफ़ी भी पिए और कुछ अलग चीज़ भी पी सके, तो कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा हमें। तो हमने अपने लिए ऑफर करने हम लोग अपने लिए ऑर्डर करने जा रहे हैं रम कॉफ़ी, जो 25 रुपये में, अगर किसी को कॉफ़ी के साथ रम पीने का भी मन है अल्कोहलिक तो पी सकता है। तो चलिए फिर मैं हम लोग ऑर्डर करके बताते कैसा है। लेकिन हाँ जी, तो ये जो अपना चाय सुट्टा बार है मुलुंड के आउटलेट का, उसका मेन्यू है, तो आप एक बार पास करके चेक कर सकते हैं। जो ठाकुर विलेज में उससे थोड़ा डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे हमें रम कॉफ़ी मिला, रम कोल्ड कॉफ़ी मिला, कुछ कुछ अलग है, तो आप चेक कर सकते हैं। फाइनली हमारा रम कॉफ़ी आ चुका है। इसमें एक्चुअल रम नहीं है, रम का एसेंस डाला गया है, यानी फ्लेवर डाला गया है, और मेरा वाला स्ट्रांग किया है उसने, तो यानी थोड़ी ही दूरी से, इतनी दूरी से मुझे स्मेल आ गई थी कि भाई बहुत कड़क है। तो अभी मैं पी के बताता हूँ, नशा चढ़ गया तो मुझे संभाल लेना। हाँ भाई मज़ा आ गया पी के, मैं तो बोलूँगा वर्थ है 25 रुपये का, और सच्ची बात है एक्स्ट्रा डाल के मज़ा आ रहा है, पूरा जो तेज आ रहा है ना, नशाना चाहिए। चलो भाई अभी मिलते नए ब्लॉग में किसी। भाई मैंने वो कोल्ड रम कॉफ़ी पिया हॉट था, पर वर्थ इसका भाई, बहुत सही टेस्ट था, मुझे पक्का मज़ा है। और मैंने अभी मेन्यू चेक किया ध्यान से, तो उसमें एक कोल्ड कॉफ़ी भी रम फ्लेवर में, उसका 100 रुपये, और जो हॉट में था वो 25 रुपये। तो मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ उसका टेस्ट कैसा है, तो चलिए फिर मैं आपको वो भी टेस्ट करके बताता हूँ, एक मिनट। तो हमारा रम कॉफ़ी की तैयारी चालू। और स्ट्रांग रखना, जैसा मेरा वाला पहला स्ट्रांग किया था, थोड़ा और स्ट्रांग करेगा तो चलेगा। उनके पास ये सब फ्लेवर नहीं है जो इधर है, कोल्ड है, कोल्ड है। वहाँ से अभी कोल्ड कॉफ़ी की तैयारी चल, अंदर अंदर जाके देख कर सकते हो क्या वो ठीक। तो इन्होंने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, उसके लिए थैंक यू। ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी रम के साथ तैयार। थैंक यू। तो फाइनली हमारा कोल्ड कॉफ़ी भी बन के आ चुका है, हॉट कॉफ़ी विथ रम तो भाई सही फ्लेवर था, तो मैंने बोला चलो अब कोल्ड कॉफ़ी के साथ इसका टेस्ट करके देखते हैं। हाय हाय, कोल्ड कॉफ़ी के साथ तो और मस्त लग रहा है, ठंडक आ गई। गर्मी में जो ठंडा है और जो टेस्ट आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है मुझे तो, ये मेरे को तो प्यार हो गया इससे। मुझे इस कॉफ़ी से इतना प्यार हो गया है ना, कि अगर मुझे अब जब भी मन करेगा ना कॉफ़ी पीने का, मैं बोरीवली से मुलुंड तक यहीं पे आऊँगा, क्योंकि मेरे जो ठाकुर विलेज में इसका आउटलेट है ना एक, उसमें ये मेन्यू में नहीं है। मैं बोलूँगा भाई या तो उधर भी रखो, वरना मुझे इधर इतना दूर आना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उधर भी मेन्यू को डलवा दीजिए मेन्यू में, कि रम उधर भी ये सब फ्लेवर डलवाए, भाई बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए फिर आप किसी और ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।